वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रस से भरे रसीले रसगुल्ले, जो बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी हैं। चलिए तो रसगुल्ले बनाना शुरू करें। वाइट छेना रसगुल्ला बनाने के लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है। ये दूध आपका कच्चा होना चाहिए, उबला हुआ नहीं होना चाहिए। दूध आप गाय का भी ले सकते हैं, भैंस का भी ले सकते हैं, पैकिंग भी ले सकते हैं, जैसे आपकी च्वाइस। दूध को हम अब एक साइड रखेंगे। अब दूध को फाड़ने की तैयारी करेंगे। दूध को फाड़ने के लिए हमने 2 नींबू लिए हैं। आप नींबू से ही फाड़ सकते हैं, विनेगर से भी फाड़ सकते हैं। अब एक लेंगे हम बाउल, वो बाउल में रखेंगे छन्नी। मैं नींबू से ही दूध को फाड़ूंगी और इस तरह से इन्हें काट करके इसका रस निकाल लूँगी। नींबू का रस आपको छान कर ही लेना है, क्योंकि इसमें जो रसें हैं वो हमारे दूध में चले जाएंगे और हम जब छेना फाड़ेंगे तो वो रसें हमारे नहीं निकलेंगे, इसकी खटास भी नहीं निकलेगी। इसलिए आप नींबू को छान कर ही लें। दूध को हमने बॉईल करने के लिए रख दिया है। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और इसे चलाते हुए अपने दूध को बॉईल करेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं हमें दूध को अपने पकाते हुए। दूध में हमारे अब उबाल भी आ चुका है। हम इसी तरह से चलाते हुए इसे अभी 1 मिनट और पकाएंगे। दूध को हम इसी तरह चलाते रहेंगे। अगर इस तरह से छोड़ देंगे तो हमारे दूध पे मलाई जम जाएगी और हमारा छेना अच्छा नहीं बनेगा। दूध में हमारे अच्छे से उबाल आ चुका है। अब हम गैस को करते हैं बंद और इसे दूध को ठंडा करेंगे 2 मिनट। दूध को हमें इस तरह से नहीं छोड़ना है, इसे चलाते हुए ही ठंडा करना है हमें। ये तो सभी को मालूम है, दूध को अगर हम इस तरह से छोड़ देंगे तो इस पर मलाई जम जाती है। गैस पर हमने एक कढ़ाई चढ़ा ली है और ये हमारी शक्कर है। ये हमारी शक्कर वजन में 300 ग्राम है। एक बाउल हमने चीनी ली थी, हम इसका 3 गुना पानी डालेंगे। पानी हमें 3 गुना लेना है और इसका हम चाशनी बनाएंगे। गैस का फ्लेम हम हाई कर देंगे, चीनी हमारी तले में ना लग जाए। इसे बॉईल करने के लिए अब रख देंगे हम। दूध को हमारे 2 मिनट हो गए हैं रखे हुए। अब दूध हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम थोड़ा थोड़ा इसमें नींबू का रस डालेंगे और अपना छेना बनाएंगे। दूध को फाड़ेंगे, एक साथ हमें रस नहीं डालना है, थोड़ा ही थोड़ा इस तरह से करके हमें डालना है और इसे हिलाते जाना है। और ये कुछ जो हमारा बचा हुआ था ये भी हम इसमें डाल देंगे और इसे हिलाएंगे। ये देखिए कितना अच्छा, कितना सॉफ्ट हमारा छेना बनके तैयार हुआ है। एक कपड़े में लेकर के इसे छान लेते हैं। एक बाउल लेंगे, बाउल में इस तरह से एक छन्नी रखेंगे। इसमें आप मलमल का कपड़ा या नेट जो भी आपके पास हो वो ले लीजिए और इस तरह से हम छान देंगे। और इस पर थोड़ा हम पानी डाल देंगे अपना खटास के लिए, जो हमने नींबू डाला था, हमारे छेने में से सारी खटास निकल जाए। और इसके चारों पल्लों इस तरह से पकड़ करके इसे हम निचोड़ लेंगे। सभी को हमने अच्छे से निचोड़ दिया है। अब हम रखते हैं इसे 5 मिनट के लिए, जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो हमारा निकल जाएगा। एक लेंगे वेसल, वेसल में अपना छेना देखते हैं हम। ये लीजिए हमारा छेना कितना सॉफ्ट, कितना अच्छा बनके तैयार हुआ है। ये देखिए कितना स्मूथ हमारा छेना बनके तैयार हुआ है। इसी तरह का हमें छेना चाहिए था। अब हम हथेली की मदद से इसको स्मूथ और चिकना करेंगे। सभी छेने को हमने अच्छे से क्रीमी हमने पेस्ट बना लिया है इसका, इस तरह से। अब हम इसमें डालेंगे 1 स्पून भर करके मैदा। आप मैदे की जगह अरारोट भी डाल सकते हैं और इसे मिलाएंगे। सभी मैदा को हमने अपने छेना में अच्छे से मिला लिया है और ये इस तरह का हमारा डो बनके इसका तैयार हुआ है। ये देखिए अब हम इसके छोटे छोटे बोल बनाएंगे। इस तरह से हथेली में इस तरह से करेंगे, फिर इसे गोल शेप देंगे। हमारे रसगुल्लों में लम्स नहीं पड़ने चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से हमें बनाने हैं। ये लीजिए हमारा रसगुल्ला बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार है। इसी तरह का रसगुल्ला आपको भी बनाना है। चाशनी भी हमारी अच्छे से पक रही है और अच्छे से बबल्स आ रहे हैं। हम एक एक रसगुल्ला बनाते जाएंगे और अपनी चाशनी में इस तरह से डालते जाएंगे। रसगुल्लों को अपने हमें टच नहीं करना है, इस तरह से बबल्स आते रहेंगे और हम एक एक करके अपना रसगुल्ला डालते रहेंगे। ये देखिए जो हमने पहले रसगुल्ला डाले थे उनका साइज डबल हो गया है और जो अब डाले हैं वो ज़रा छोटे हैं, वो भी इसी तरह से फूल जाएंगे।
बाकी के रसगुल्ले भी हम सब इसी तरह से एक एक करके बनाते जाएंगे और डालते जाएंगे। अब 5 मिनट के लिए हम अपने रसगुल्ले को कवर करते हैं और 5 मिनट पकाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे। गैस का फ्लेम हम हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पे अपने रसगुल्लों को पकाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं हमारे रसगुल्लों को पकते हुए, अब हम अपने रसगुल्लों को पलटते हैं। गैस का फ्लेम हम हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पे अपने रसगुल्ले पकाएंगे। और ये देखिए हमारे रसगुल्ले कितने फूले फूले और कितने स्पंजी और ज़बरदस्त हमारे बनके तैयार हुए हैं रसगुल्ले। अब हम दूसरी तरफ से भी इसे पलट देते हैं, 5 मिनट और कवर करके पकाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं हमारे रसगुल्लों को पकते हुए, अब हम देखते हैं। ये लीजिए हमारे रसगुल्ले अब दोनों तरफ से अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसे एक ठंडे पानी में, चिल्ड पानी में डालेंगे। चाशनी को हम अपनी ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद इसी में अपने रसगुल्लों को डालेंगे। ये मैंने चिल्ड पानी बर्फ़ का लिया है, इसी में मैं एक एक रसगुल्ला निकाल करके इसी में डाल दूँगी। ये लीजिए सारे रसगुल्लों को हम अपने चिल्ड पानी में डाल देंगे। ये लीजिए हमने चिल्ड पानी में अपने रसगुल्ले डाल दिए थे, अब हम इन्हें निकालते हैं। सभी रसगुल्लों को इस तरह से निचोड़ करके निकाल लेंगे हम। कितने स्पंजी और कितने अच्छे, कितने सॉफ्ट हमारे रसगुल्ले बनके तैयार हुए हैं। आप भी एक बार ज़रूर हमारे तरीके से बनाकर देखिए। और सभी हम रसगुल्लों को पानी से अलग कर लेंगे। इन्हें एक बाउल लेते हैं हम, बाउल में अपने रसगुल्ले सर्व करेंगे। इस तरह से रखेंगे। चाशनी भी हमारी अब ठंडी हो चुकी है, ऊपर से हम चाशनी डालेंगे। सभी रसगुल्लों को हमने अपने चाशनी में डाल दिया है। और ये देखिए आपको हम तोड़कर दिखाते हैं पास से। ये देखिए कितने अच्छे, कितने ज़बरदस्त हमारे रसगुल्ले बनके तैयार हुए हैं। ये लीजिए हमारे रसगुल्ले अब सर्व करने के लिए परफेक्ट बिल्कुल तैयार हैं। हमने इन्हें पिस्ते से गार्निश किया है। कमेंट में बताएं आपको हमारे रसगुल्ले की रेसिपी कैसी लगी, और आप ये भी बताएं कि आपके रसगुल्ले कैसे बने। और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।